बड़वानी जिले के सेंधवा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमलनाथ सरकार द्वारा दिए जा रहे वादा खिलाफी एवं बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध के चलते नगर में आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह सरकार में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ सरकार बंद कर रही है। जब हमारी सरकार थी तब ऐसा नहीं हुआ था। टीम भारती न्यूज। आज भारतीय जनता पार्टी सेंधवा इकाई के द्वारा सेंधवा नगर और आसपास के क्षेत्र के अंदर जो बिजली बिल 200 रुपए जो आना चाहिए, किसी के 5000, 8000, 10000, 20000 के बिजली बिल आए हैं। इसी बात को लेकर नगर में राज्यपाल के नाम से, एसडीएम के माध्यम से, ये जो अधिक बिजली बिल आया ये माफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश का बजट सत्र चालू है और इस ज्ञापन के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये बढ़ा हुआ बिल लोगों के माफ कर देना चाहिए। और आज हमने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कानून नाम की भी कोई चीज नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जन कल्याणकारी सैकड़ों जो योजना है, इसको या तो नाम बदल दे या तो पूरी तरह से बंद कर दे।